ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਸਗੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਹਰਿੰਦਰ ਵਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਥਿਆਰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाते हैं। पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट देके आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है, वो 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो का आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव है वो, और 1,30,000 रुपये के आसपास बरामद। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था इनका? जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था, इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है, वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने इसकी उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई, इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे, वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था।